घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतो, शरणा ले लो अरिहंतो का, क्यों अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानंग स्वदर्शीनंग, प्रभु स्वयं तिर चुके हैं औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं औरों को बोधि दे रहे हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, सबकी मंगल की कामना, सबको संसार सागर से पार होने के लिए उनका लक्ष्य उनका उपदेश रहता है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु की साधना, ज्ञान, तप, क्षमा के प्रति अनंत अनंत करुणा और मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु इस पंचम काल में हमारे पास नहीं है, वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री आज भी हमारे पास है, उनके द्वारा हम भी उसी मार्ग पर पहुंच सकते हैं जिस मार्ग पर भगवान महावीर ने वो बताया। तो आज हम उसी वाणी को, प्रभु की वाणी उत्तराध्यान सूत्र के रूप में शुभ मुनि जी आपको सुंदर ढंग से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। वही वाणी समकत पराक्रम के अंदर चर्चा चली है, एक एक विषय को लेकर के प्रभु उसकी गहराई तक समझाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, सब भाव पक्षखाने नंग भन्ते जीवे किम जनई, हे भगवान, सद्भाव अर्थात समस्त योगों को रोकने का, रोकने रूप क्रिया मात्र का त्याग करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है। सब भाव पचकाने नंग अनित्यंग जनई, अनित्यंग परिवन्ने ये अनगारे चत्तारी कमंसी कवई, तंजा वेनिज्यंग आऊंग नामंग गोयंग तय पच्छा से जय बुजई मुच्चई परिनिवाई सब दुखान मंतंग करई। सद्भाव का त्याग करने से समस्त योगों को
रोक दिया। मन बुद्धि और इंद्रियों के सारे योगों का रोक देने मात्र से जीव अनिवृत्तीकरण प्राप्तता है। अनिवृत्तीकरण जो गुणस्थान की पराकाष्ठा है उसको पाकर गणगार होकर उसको पहले तो केवल ज्ञान हो गया, चार घन घाती कर्म क्षय हो गए, अनंतानुबंध अंतराय कर्म, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और शक्ति प्रकट हो गई। केवल ज्ञान होने के बाद तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं, चार कर्म बाकी रह जाते हैं, वेदनी आयु नाम और गोत्र। उस कर्मों को अनिवृत्तीकरण को प्राप्त कर, जो पहले हुई नहीं वो अनिवृत्तीकरण को प्राप्त कर, केवली होकर बाकी बचे हुए कर्मांशों को आयु वेदनीय आयु आठ ही गुण हैं और आठ ही कर्म हैं, एक एक गुण पर कर्म लगे हुए हैं। जब व्यक्ति सिद्धशिला जाना है तो सारे कोई कर्म नहीं, कोई काया नहीं, आत्मा की शुद्ध अवस्था सिद्धशिला की है। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जीवन में इस संसार का अनंत काल तक संसार में हम भ्रमण कर रहे हैं, अनंत अनंत जन्म ले लिए हमने, क्या पाया, कभी सुख कभी दुख, कभी पुण्य किया देवलोकों में चले गए और कम पुण्य हुआ तो मनुष्य बन गए, पुण्य किया तो राजा महाराजा बन गए, वहाँ भी किसी पर युद्ध किया, किसी को मारा, किसी को काटा, फिर माया की तो पशु बन गए, नरक निगोद में चले गए, पाप किया भारी भारी पाप किया। ऐसे मनुष्य हम सब चार गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमण से हमें अंतिम हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या कभी आपके मन में विचार आता है कि आया ही नहीं, जाएंगे जल्दी क्या है, अभी तो ये कर लें वो कर लें ऐसा कर लें वैसा कर लें, ऐसा विचार आता है कि एकदम विरक्ति वैराग्य भाव आ जाता है कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, क्या करना है क्या लेना है, बोलो कैसे कैसे भाव आते हैं आपके मन में, आपकी अंतर की दशा क्या कहती है। एक है लिख सिद्धशिला जो 26 दिवलोकों को पार करके ऐसे चंद्रमा की तरह 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी सिद्धशिला, वहाँ जाकर के सिद्ध ठहरती। जैन दर्शन में जो सिद्धशिला का वर्णन आता है, और किसी दर्शन में ऐसी व्यवस्था नहीं आती जो भगवान कहते हैं कि सिद्धशिला में जीव काया नहीं कर्म नहीं, शुद्ध अवस्था में जीव जीव में जाकर के ठहर जाता है, वो है सिद्ध अवस्था। तो क्या उसका विचार आया, कितनी बार आया, कब आया, क्यों आया, नहीं आया, बोलो विचार रखें अपने आप, बोलो। हाँ जी, कभी विचार आया कि आया ही नहीं, आके चला जाता है, आता है जाता है, कभी उस अवस्था की कल्पना नहीं कि कैसे सिद्ध भगवान अनंत सुख में लीन है, पर मैं भी जाकर के सिद्ध बनूंगा। एक तीव्र प्यास, जैसे आपको दुकान में जाना होता है, फैक्ट्री में जाना होता है, काम करना होता है, तो क्या छोड़ देते हैं आप, क्या विचार आता है, नहीं जाता है, क्या करना जाकर, नहीं आराम करता हूँ, नहीं क्या करना जाकर, नहीं करना कर दिया था। एक तीव्र लक्ष्य होता है कि मुझे जाना ही है, नहीं दुकान पे जाऊँगा तो दुकान नहीं खुलेगी, तो ग्राहक कैसे आएंगे, धंधा कैसे होगा, माल कैसे बिकेगा, इतना माल पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए मुझे अवश्य जाना ही है। गृहिणी के पास सब सामान पड़ा है, रसोई के अंदर आटा दाल चावल की शक्कर सब पड़ा है,
और मेहमान घर में आ गए हैं तो क्या गृहिणी सोचती है बनाऊं कि ना बनाऊं, क्या करना है बना के, आराम से सो जाते हैं, देखी जाएगी, ऐसा विचार आता है? आपको पता है कि खाना तो बनाना ही है, मेरा धर्म है बनाने का, और इतने मेहमान आ गए हैं, तुरंत आप लग जाते हैं या लगा लेते हो या किसी को बुला लेते हो। इसका मतलब विचार ऐसे ही हवा की तरह आया और चला गया, गहरे डूबे नहीं। कबीर कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पैनी बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबल रही रही किनारे बैठ। कबीर कहता है जिन्होंने प्राप्त करना है उनको गहरे डुबकी लगानी ही होगी, और जब तक जितने भी हमने कर्म किए हैं, पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, उनको क्षय करके ही आगे हम जा सकते हैं। हेराक्लाइटस वेस्टर्न का बहुत बड़ा फिलासफर वो यही बात कहते हैं, इफ़ यू वांट पीरल्स यू मस्ट डिव डीप इनटू द ओशन, अदरवाइज बी कंटेंट विद द स्ट्रा। यदि आप मोती प्राप्त करते, सागर में समुद्र में सब कुछ है, सिपियाँ हैं, पत्थर है, कंकर है, सब कुछ है, मगरमच्छ है, मछलियाँ हैं, सब कुछ है, परंतु जो गोताखोर होता है वो किसी को नहीं देखता, पत्थर सिपियाँ सब मछलियाँ कुछ नहीं, वो किस समुद्र में गहरे जाता है, गहरे डूबता है, और अंतम की गहराई में जा कर के वो मोती प्राप्त करता है। इफ़ यू वांट पीरल्स यू मस्ट डिव डीप इन टू द ओशन, समुद्र की गहरे तक डुबकी लगानी होगी, अदरवाइज यू कांट एंड विद स्ट्रा। तो समुद्र के किनारे सिप्पियाँ हैं, पत्थर है, चमकीले पत्थर है, रोड पत्थर हैं, उसको देख के खुश हो जाओ कि बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो कहने का अर्थ, हमें बहुत सिंसियरली उसके बारे ध्यान करना चाहिए कि सिद्ध, यदि आपका लक्ष्य सिद्धालय है, ठीक है, लक्ष्य सिद्धालय इसका मतलब नहीं तुम काम नहीं करोगे, तुम बहने भोजन भी बनाएंगी, तुम व्यापार धंधा भी करोगे, पर गलत काम नहीं कर पाओगे। गलत काम का मतलब क्या होता है? कैसा कोई भी कार्य है जिस पर मेरे आत्मा पर कर्म चिपक जाएं, वो कार्य नहीं करोगे। वो कर्म चिपने के कितने पाप हैं, 18 पाप स्थान है। किसी प्राणी की हिंसा नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कला अभ्यान पैशन ने परि परिबाद रति अरति माया मोसा मिथ्या दर्शन शल, 18 पाप स्थानकों का त्याग करने का प्रयास निरंतर निरंतर करते रहोगे। तो ये ज़रूरी है कि यदि आपका लक्ष्य है, कैसे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, आप रोज़ सुनते हैं, अंतगढ़ सूत्र के अंदर भी आपने सुना, कैसे वो नारियाँ, कैसे वो सुकमाल नारियाँ, चाहे भगवान अष्टनेमि के पास गई, भगवान महावीर के पास गई, और अपने जीवन का उत्सर्ग त्याग कर दिए, महलों के सुख सुविधा बेटा सब छोड़ करके एकांत केवल प्रभु के दर्शन करने गए और जा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। भगवान नेमिनाथ और राजुल की कहानी भी आपको पता है, बारात लेके जाते हैं और एक पशुओं की चित्कार सुनते हैं और पूछते हैं ये पशुओं का बाड़ा कैसे बांधा हुआ है, ये क्यों चिल्ला रहे हैं, और सुन क्षत्रिय लोग मांसाहार भी होते हैं, राजा लोग मांस भी खाते थे, और बहुत लोगों को निमंत्रण किया था, कृष्ण स्वयं उस बारात में थे, तृष्णेमि हाथी के हौदे पर बैठ कर के सारथी से पूछते हैं और द्वार पर आकर के कहते हैं कि ये किस लिए, द्वारपाल ने कहा ये पशुओं को बांधा गया है, और किस लिए बांधा गया है कि आपकी बारात जाएगी, पशुओं को काटा जाएगा, लोग मांसाहारी उनको मांस खिलाया जाएगा, अच्छा मेरी शादी और इनकी बर्बादी, नहीं वापस ले चलो, बस ऐसा वैराग्य। क्या उन्होंने किसी की सुनी
कि कृष्ण मुझे क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, राजुल ऐसी सुंदर पत्नी, सारे सब कुछ और नौ भव की प्रीति नारा चली आ रही, इतना वैराग्य आया, रथ वापस ले जाओ। जब वापस ले जा रहे थे, क्या कृष्ण ने समझाया नहीं होगा, क्या उन्होंने विनती नहीं की होगी, कृष्ण ने सुनी उनकी, बस मुझे वापस नहीं जाना, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस करुण चीत्कार पशुओं को छोड़ करके भगवान नेमिनाथ जंगल में गिरनार में चले गए और जाके तप किया, साधना की, मोक्ष का मार्ग। राजुल को पता लगता है, राजुल मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने कुछ नहीं किया था, माता ने कहा कोई बात नहीं और तेरी शादी और किसी राजकुमार से कर देंगे, नहीं माँ, मैं उनको बस अपने हृदय में उनको स्थान दे चुकी हूँ, मुझे और किसी का नहीं चाहिए। ऐसी वैराग्य भावना आते आते वो भी उसी के पथ पर चलने लगती, मेरे पति, मेरे आराध्य, मेरे देव जिस मार्ग पर गए हैं मुझे उसी मार्ग पर जाना है। दृढ़ संकल्प करके उनके साथ बहुत सी सखियाँ साथ चली गई और गिरनार पर जा कर के दीक्षा लेती है और वही तप करती है, साधना करती है। और कैसे उन्हें, आपने वो कहानी भी सुनी है कि बरसात का मौसम आया, पर्वतों के ऊपर गई, भयंकर घोर बरसात थी, बादल गरज रहे थे, दिखाई नहीं देता था किसी, सब अब लग सतियाँ अलग अलग हो गई, साध्वी वो किसी गुफा में जा कर के छिप गई और वस्त्र भीग गए थे, वस्त्रों को उतारने लगी, उधर से रथनेमी गुफा में ध्यान कर रहा था, उनका ही छोटा भाई, उन्होंने रूप को देखा तो निमंत्रण दिया, आप जैसी रूप मनी लो शादी कर लेते हैं फिर आएंगे। कैसे धिक्कारा उसको, धिक्कार है तुझको, तू मैं वमन किए हुए को चाटना चाहते हो तुम, मैं त्यक्ता हूँ तेरे भाई के द्वारा छोड़ी हुई हूँ और तुम मुझे चाहता है, तुम किस कुल का है और मैं किस कुल की हूँ, विचार कर, चिंतन कर, फटकारा उसको और उसके होश आ गए। राज कुमार थे, खानदान व्यक्ति थे और उसी समय क्षमा मांगी कि मेरी विचार गलत थी और रथनेमी को रास्ते पे लगा दिया और वो आगे बढ़ गई थी। ये कहानी कितनी प्रेरणादायक कहानी है। और जो सिद्ध गति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, ये छोटी छोटी बातों को वो परवाह नहीं करते, वो आकर्षण नहीं लाते, वो संसार के सुखों की बात नहीं करते। तो कहने का अर्थ पूर्णतः एक त्याग, वैराग्य और वीतरागता, तीन बातें बहुत जरूरी है। किसका त्याग बोलो, त्याग कई बार आपको श्री मुनि ने समझा दिया, त्याग, वैराग्य और वीतरागता, बोलो त्याग किसका करना है, त्याग करना है किसका, त्याग करना है बोलो, मोह का त्याग हो गया, मोह का त्याग हो गया, त्याग मिथ्यात्व का और मोह का, ठीक बात है। और वैराग्य किसका, वैराग्य क्या है, त्याग वैराग्य, वैराग्य किसे कहेंगे, बोलो वैराग्य किसे कहें, वैराग्य आया नहीं अभी तक, जीव का जीव के साथ कुछ नहीं, वैराग्य किसको कहेंगे, वैराग्य शांति भाई, वैराग्य आया जिंदगी में, नहीं आया वैराग्य बोलो, रमेश भाई वैराग्य का अर्थ क्या, वैराग्य का अर्थ है इस संसार में मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ,
वैराग्य, मेरे पास अष्ट गुणों की संपदा है, अनंत ज्ञान मेरे पास है, अनंत दर्शन मेरे पास है, अनंत सुख मेरे पास है, अनंत शक्ति मेरे पास है, मैं निराकार हूँ। आत्मा के जब जड़ और जीव का भेद करते हो और जीव में स्थित रहने का प्रयास करते हो, ऐ गुरु लघु, मैं निराकार हूँ, मेरा मैं न हल्का हूँ ना, ऐ गुरु लघु, जीव का आत्मा का ना वजन है, ना हल्का है, ना भारी है, और मैं क्षय समकत मेरा गुण है, और मेरा लक्ष्य सिद्धालय है, सिद्ध अवस्था, ये अष्ट गुणों की संपदा जब मेरे पास है तो मुझे क्या चाहिए। जब वैराग्य आता है, जब आप देखते हैं ना, जब किसी को वैराग्य होता है और दीक्षा लेना चाहता है, या साधु या लड़का या लड़की या साधु या साध्वी, तो उनको कितना प्रलोभन दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ले जाओ, सब कुछ नहीं। वैराग्य, जब सच्चा वैराग्य आता है, तो मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला। और वीतरागता, बोलो वीतरागता क्या? समभाव, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से राग। वीतराग, भगवान वीतराग करते, ना किसी से राग करते, ना द्वेष करते, ना मोह करते, ना मैं। त्याग, वैराग्य और वीतरागता, आज हम उस वीतरागता की चर्चा करने जा रहे हैं। वृत्ति मात्र का त्याग करने से जीव आत्मा, वृत्ति जो समस्त योगों का निरोध कर देता है, वो अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण को प्राप्त करण कार केवल ही होकर बाकी बचे हुए चार कर्मों को, वेदनीय आयु नाम और गोत्र को खपाता है, फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होकर के शांत हो जाता है और सब दुखों का अंत कर देता है। आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ किसे कहते हैं? आत्मा, अशुभ आत्मा एक, शुद्ध आत्मा एक, शुद्ध शुभ आत्मा एक, शुद्ध आत्मा। अशुभ आत्मा कौन सी होगी? जो विषय कषायों के, पांच इंद्रियों के 23 विषय, क्रोध क्रोध मान माया लोभ में उलझी हुई है, जिसको धर्म का कर्म का कुछ नहीं, बस खाना पीना मौज करना ऐशो आराम करना, विषय कषायों से जो आवृत आत्मा है वह अशुभ है। उसकी गति क्या है? या तो त्रियंच पशु बनेगा या नरक में जाएगा। शुभ आत्मा, विषय कषायों के प्रति अरुचि होती है, उसमें स्वाध्याय ध्यान आदि के प्रति रुचि होती है, शुभ भावों के प्रति रुचि होती है, जगन तो वह शुभ आत्मा है। उसकी गति देव, और बाद में उसको भी छोड़ने का वो विचार करता है। पर शुद्ध आत्मा वह अंतिम शिखर अवस्था होती है। शुद्ध आत्मा, सद्भाव का अर्थ क्या होता है? सद्भाव का पचका अच्छा भाव, परमार्थिक प्रत्याख्यान, ऐसा प्रत्याख्यान परम अर्थ को प्राप्त करना, परम सिद्धि को प्राप्त करना, परिपूर्ण प्रत्याख्यान, जिसको ग्रहण करने के बाद ऐसा प्रत्याख्यान फिर पुनः प्रत्याख्यान की अपेक्षा ना रहे, पाप मार्गों का निरोध करने के लिए प्रत्याख्यान स्वीकार किया। प्रत्याख्यान का अर्थ है ज्ञान और विवेक से समझ करके गुरु मुख से किसी वस्तु का, जैसे आप पचकान लेते हैं, मुझे आज उपवास करा दो, बेला करा दो, मांस कम करा दो, आप समझ करके पचकान लेते हैं कि आज के दिन मुझे कुछ नहीं लेना, अन्न जल का त्याग या कोई और भी आपके भीतर बात आती है कि मुझे त्याग करना है, तो ज्ञान पूर्वक समझ पूर्वक विवेक से आप गुरु मुख से किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं। ज्ञान पूर्वक आत्मा की साक्षी से वस्तु का त्याग करने के प्रति वस्तु का जो आसक्ति का भाव है वह टूट जाता है। जैसे आपने उपवास कर लिया तो आपको चाहे कितना ही बढ़िया भोजन पकवान बने, कुछ बने, आप नहीं लेते। बहनें भोजन बनाती हैं, सबके लिए बनाती हैं, पर उन्होंने उपवास कर लिया तो वो उनको इच्छा नहीं रहती, आपको इच्छा नहीं रहती, आसक्ति का भाव टूट जाता है, और उस भाव से सर्वत होने वाले कर्मों का प्रवाह रुक जाता है। समस्त प्रत्याख्यान
ये 14वें गुण स्थान में ग्रहण किया जाता है। यानी केवली भगवान वर्तमान भाव और वर्तमान भाव से सिद्ध अवस्था में जब प्रवेश करते हैं उस क्षण में सद्भाव का प्रत्याख्यान किया जाता है। समय कितना होता है? बहुत थोड़ा सा। केवली भगवान जब अंतिम सिद्ध अवस्था में जाने वाले होते हैं वो सद्भाव कुछ नहीं, सारे लोग रोग करना योगों का निरोध कर देते हैं। और अंतिम अवस्था कितनी? ऐ ई ऊ री डरी, पांच हस्र जो स्वर है उसको उच्चारण करने से जितना समय लगता है ये 14वें गुण स्थान की अवस्था होती है। स्पष्ट है कितनी अवधि होती है, उसके पश्चात जीव सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है और सारे कर्मों को छोड़ देता है, समस्त प्रत्याख्यान। साधक सिद्धि के तट पर जब पहुंच चुके हैं वो देह में रहकर भी सद्भाव भगवान के तुल्य होते हैं। उनके मन वचन काया रूप योग की निवृत्ति को साधना सद्भाव प्रत्याख्यान कहलाती है। अंतिम छलांग है संसार में मोक्ष जाने की, अंतिम छलांग। सद्भाव का अर्थ है अवस्थित, केवली अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद कर्मों के कुछ अंश अवशिष्ट, केवली भगवान हो गए, कुछ अंश अवशिष्ट रह जाते हैं, वो कर्म आघाती कर्म कहा जाता है। आघाती कर्म चार है, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये चार कर्म आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि मौलिक गुणों का घात नहीं करते, इसलिए उन्हें एक घाती कर्म ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतरा और वेदनीय आयु नाम और गोत्र। ये चार कर्म ज्ञान दर्शन आदि मौलिक गुणों को घात नहीं करते, इन्हें घाती कहा जाता है। सद्भाव प्रत्याख्यान की अवस्था में ये चार अघाती कर्म भी अवशेष रह जाते हैं। आत्मा शुद्ध तत्व में रोग के अग्रभाग पर स्थित हो जाती है। भगवान ने फरमाया सद्भाव प्रत्याख्यान साधु का अनिवृत्ति करने की प्राप्ति होती है। शुक्ल ध्यान के चार भेद हैं, उसमें अंतिम भेद का नाम है अनिवृत्तिकरण। शुक्ल ध्यान के चार, उसका अनिवृत्तिकरण, इसे समुच्छन क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान भी कहा जाता है। जैन धर्म में ध्यान साधना पर उत्कृष्ट चिंतन हुआ है। ध्यान के चार भेद हैं आर्त, रोदर, धर्म और शुक्ल। परम के दो ध्यान, संसार के लोग हम सब आर्त रोदर ध्यान करते रहते हैं। बच्चे का जन्म होता तो बच्चा रोता ही है, कोई चीज़ ना मिले, खिलौना टूट जाए, बच्चा रोता है, बच्चे को चीज़ ना मिले, बच्चा रोता है। आपको भी किसी के पास शिकायत करना, क्रिया प्रतिक्रिया करना, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये होना ये नहीं चाहिए, ये आर्त रोद्र ध्यान। रोद्र का ध्यान है कि एक व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति को बाधा उत्पन्न करता है, प्रथम व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है, अपमानित होकर के उसको बहुत चिल्लाता है, झगड़ा करता है, रौद्र रूप धारण कर लेता है क्रोध का, वो रौद्र ध्यान है। आर्त रोद्र ध्यान करने वाला व्यक्ति या तो पशु में जाता है या नर्क में जाता है। धर्म ध्यान, धर्म ध्यान का अर्थ है व्यक्ति स्वाध्याय किया, जैसे आप प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, माला जप पाठ आदि करते हैं, अनापूर्वी पढ़ते हैं, ये सब धर्म ध्यान के अंतर्गत। इसमें चित्त एकाग्र हो जाता है, जप तप में चित्त की तन्मयता का नाम धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान का राधक व्यक्ति लाभ अलाभ सुख दुख जय पराजय सफलता असफलता का चिंतन नहीं करता और जीवन का अंग मान देता है। कहते हैं एक औरंगजेब की पुत्री जेबुनसा, जो औरंगजेब कट्टर मुसलमान था और उसने कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने लोगों को मरवाया, कैसा था, अपने भाई का सिर काट लिया उसने और अपने पिता को जेल में बंद कर दिया औरंगजेब के अंदर, ऐसा कट्टर मुसलमान था, लोग डरते थे। परंतु उसकी बेटी जेबुनसा, उसका उस पर कोई किंचित प्रभाव नहीं था। वो किसको मानती थी? वो कृष्ण को मानती थी, मुसलमान होते वो कृष्ण भक्त थी और उनकी गहरी आस्था उपनिषदों पर थी। जेबुनसा की उसकी औरंगजेब की पत्नी और उसकी आस्था उपनिषदों पर थी, कृष्ण की भक्त की, मंदिर में जाया करती थी। कहते एक बार उसकी दासी से बहुत कीमती दर्पण, राजा महाराजाओं का दर्पण बहुत कीमती होता है, और टूट गया। जब दासी के हाथ से वो बर्तन टूटा तो दासी घबरा गई, ठिठक गई, अब मुझे क्या देंगे, क्या मुझे बाहर निकाल देगी, नौकरी से निकाल देगी, या मुझे कैसे दंड देगी, ठिठक गई। परंतु जब जेबुनसा को पता लगा, उसने
किंचित मात्र क्रोध नहीं किया। कहा, अच्छा हुआ कि एक सौंदर्य प्रसादन का साधन कम हो गया। श्रृंगार जिस किया जाता है, यदि वो शीशा नहीं है तो एक कम हो गया, कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया। तुम्हारे हाथ से टूटा, मेरे हाथ से टूट सकता था, यह साधक का लक्षण। आप घर में रहते हैं, नौका आप बहुत कीमती सामान बाजार से लेके आए हैं और ला के रखा है नौकर के हाथ से, वो गिलास वो कीमती फर्नीचर टूट जाता है तो कई बार आपको बहुत गुस्सा आता है, कैसे टूट गया, क्यों टूट गया, देखा नहीं, करता नहीं। उस समय आप विचार करो कि मेरे हाथ से भी टूट सकता था, किसी के हाथ से भी टूट सकता था। कांच का गिलास, बेलदार बूटों वाला, बहुत कीमती लेके आए, गिलास लाए, थाली लाए, कुछ लाए, वो गिर गया, तो उस समय आप शांत रहते हैं, मौन रहते हैं और अपने समान समझते हैं कि वो भी मेरे जैसा ही है, कोई बात नहीं, टूट गया तो कोई बात नहीं। ऐसा ही विचार करना चाहिए, ये है धर्म का लक्षण। जीव में धर्म आया कि नहीं, यदि आप में धर्म का लक्षण है तो आप क्षमा कर दोगे, मैत्री करुणा का भाव रखोगे, क्योंकि सब में समान आत्मा है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये बहुत कर्मों का बंधन कर देते हैं। क्षण भर का क्रोध पता नहीं व्यक्ति को कहाँ ले जाता है। मान कि मेरे जैसा व्यक्ति, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चंडाल चौकड़ी है जिससे अनंत जन्म बिकट जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो ये शुक्ल ध्यान का सर्वोच्च स्वरूप है। जब तप स्वाध्याय से जब साधक परिपक्व हो जाता है तो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में प्रवेश। शुक्ल ध्यान करता शुद्ध श्वेत आकाश, जब शुद्ध निर्मल स्वच्छ होता है, जब कभी आप देखते हैं गंगा के किनारे या समुद्र, शांत, कोई तरंग नहीं, कोई लहर नहीं, एकदम शांत, और जाते ही आपका चेहरा पूरा के पूरा दिखाई देता है, वो शुक्ल ध्यान में विचारों की विदायगी हो जाती है, शांत झील हो जैसा हो जाता है। शुक्ल ध्यानी साधक का चित्त शांत हो जाता है, उसमें विचारों की उर्मियाँ उत्पन्न हो जाती है। भगवान महावीर साधना के समय कितने कष्ट आए, वो शुक्ल ध्यान में रहते थे, कोई विचार ही नहीं करते थे, जो हो गया हो गया, कितने कष्ट आए। और अभी सिवंदर स्वामी भगवान हम पर कृपा करते हैं कि पंचम काल में भी तुम शुक्ल ध्यान की आराधना कर सकते हो, या खंडित खंडित हो जाए, अखंडित भी हो जाए, अखंडित 24 घंटे शुक्ल ध्यान में रह गए तो आप कक्षा एक समकत हो गए, 48 मिनट पार कर गए तो केवल ज्ञान हो। शुक्ल ध्यान कितनी कीमत है, एक एक मिनट से बढ़ाओ शुक्ल ध्यान को, एक एक मिनट, दो दो मिनट, चार चार मिनट। जैसे बच्चे को आप रुपए देते हैं, पैसा देते हैं, वो गुल्लक बना लेते हैं और डालते हैं, जब गुल्लक भर जाता है तो बच्चे को कितनी खुशी होती है, इतने पैसे इकट्ठे हो गए। ऐसे ही जब आप समायक में बैठो, ध्यान में बैठो, शुक्ल ध्यान कब होता है, जब कोई विचार नहीं आता, न मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से, शांत मौन, देह विदेह हो जाता है, देह की सारी आसक्ति टूट जाती है, मन खाली हो जाता है, विचार से खाली हो जाता है, मन भरा रहता है। आप देखो बैठ करके मन कहाँ 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 कैसे 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 विचार लेके आता है। उसकी शांति के लिए आप शांत होकर के अपने मन को विचारों को, शुक्ल ध्यान के लिए नए विचारों को भरना नहीं। जैसे आप किसी के पास जाए, जो व्यक्ति नहीं जानता, साधना नहीं करता, उसके पास जाओगे, संसार में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया, जब आप चर्चा करोगे आपस में घर में, तो शुक्ल ध्यान की धारा खंडित होती है। भगवान कहते हैं संसारियों से अधिक चर्चा भी नहीं करना, बात भी नहीं करना, उसके घर में क्या, मेरे घर में क्या, संसार में क्या हो गया, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, सब छोड़ दो, केवल अपने में स्थित हो करके अपने को, जीव जीव को जान करके, जीव पर श्रद्धा रख करके, जीव की वृत्ति जा करके, जीव जब जीव में स्थित होता है,
वो शुक्ल ध्यान को प्राप्त करता है। इसलिए साधक को शुक्ल ध्यान का अभ्यास करना ही चाहिए। शुक्ल ध्यान से पुराने कर्मों की नजरा हो जाती है और नए कर्मों का बंधन नहीं होता। जया जोगे निरुम्भिता सलेसिंग परिवज्जयी, जया जोगे निरुभंता सलेसिंग परिवज्जयी, तया कम्मंग खवितानंग सिद्धि गच्छई नीरियो, जया कम्मंग खवितानंग सिद्धि गच्छई नीरियो, तया लोभ्यर्थ्यथे लोभ मर्त्य थे सिद्धो हवई सास्यो। दशवें कारक सूत्र के चौथे अध्ययन में 24-25 गाथा है। जब साधक योग का, योग मन वचन काया तीनों का निरोध करता है, शैलेशी, शैलेशी का मतलब पर्वत, जैसे मेरु पर्वत कितने आंधी तूफान आ जाए मेरु पर्वत का कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको शैलेशी अवस्था कहते हैं, शैल वर्त की बस शैलेशी अवस्था को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात समस्त कर्मों का क्षय करके लोक के अग्रभाग तक पहुंचता है, शाश्वत सिद्धि को प्राप्त करता है, कर्मों के नए कर्मों को नष्ट कर देता है, आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है, जिस साधक की अंतिम अवस्था है, अंतिम परिणाम है। जया जोग्य निर्बंती सलेसिंग परिवज्जयी, तया कम्मंग कवितानंग, सारे कर्मों को क्षय करके शैल की भांति करके और सिद्ध गति को प्राप्त कर देता है और वहाँ पहुँच करके आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। ये सद्भाव का प्रत्याख्यान। तो आप भी हम भी इस बात पर चिंतन करें, विचार करें, आत्मरुद्र ध्यान छोड़ें। धर्म ध्यान तो आप करते ही हैं, धर्म ध्यान शुभ है, और शुभ से शुद्ध की ओर आए, या कोई विचार, कोई परंपरा, कोई धारणा, कुछ नहीं, मात्र जी 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 में स्थित रहने का पुरुषार्थ। शुक्ल ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आकार और निराकार का भेद कर दीजिए, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए, मैं जीवात्मा, आकार से मेरा कोई वास्ता नहीं, देह का आकार है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, देह को भूख लगती है, प्यास लगती है, आत्मा को भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, निराकार आत्मा का कोई आकार नहीं, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, वो मैं आत्मा,
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग। धम्म मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तव, देवावितंग नमंग संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मां